नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ बहुत ही बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने बेसिक्स हैं और इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वीडियो देखने के बाद ये एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपका प्रिपरेशन बेटर चल रहा है। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका बेसिक्स रिवाइज भी हो जाएगा और आप खुद को जज भी कर पाएंगे कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। जी हाँ दोस्तों, पूछा जा रहा है कि किस काउंटर का सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि काउंटर सर्किट में जब हम अगर बात करें असिंक्रोनस काउंटर की, तो असिंक्रोनस काउंटर में जो क्लॉक अप्लाई होता है, सबको एक साथ क्लॉक अप्लाई नहीं होता, सभी फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ क्लॉक अप्लाई नहीं होता। प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक की तरह बिहेव कराता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे एक साथ क्लॉक फ्रिक्वेंसी ना देने से, एक साथ क्लॉक सिग्नल ना देने से, जो ये असिंक्रोनस काउंटर होता है वो स्लगिश हो जाता है, काफ़ी स्लो काउंटर हो जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों सिंक्रोनस काउंटर की, तो दोस्तों सिंक्रोनस काउंटर सबसे फास्टेस्ट काउंटर होता है। रीजन सिर्फ ये है कि सभी फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही क्लॉक फ्रिक्वेंसी से, एक ही क्लॉक सिग्नल से सबको कनेक्ट किया जाता है और साइमल्टेनियसली सबको एक साथ ही क्लॉक सिग्नल दिया जाता है, जिसके कारण सिंक्रोनस काउंटर फास्टेस्ट काउंटर होता है। अब अगर यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा दोस्त साहब कि रिंग काउंटर का तो सबसे कम स्टेट होता होगा, तो रिंग काउंटर सबसे फास्टेस्ट काउंटर होना चाहिए, तो दोस्तों नहीं, रिंग काउंटर भी सिंक्रोनस काउंटर के कैटेगरी में आता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन अगर हम देखें, तो बेस्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस काउंटर हैव हाईएस्ट स्पीड अमंग दीज काउंटर्स। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस काउंटर। अब अगर स्लोवेस्ट काउंटर की बात आए, तो स्लोवेस्ट काउंटर दोस्तों असिंक्रोनस काउंटर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सिंक्रोनस काउंटर की स्पीड हाईएस्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि जब मैग्नेट को हम बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड तो क्या होगा, मैग्नेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया गया है, इट्स गेन मैग्नेटिज्म, ये और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ज़्यादा मैग्नेटिज्म को गेन कर लेगा। नहीं दोस्तों, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा, इट लूजेज मैग्नेटिज्म। जी हाँ दोस्तों, जे अपने मैग्नेटिज्म को कम कर देगा, घटा देगा। आपको अगर इसे चेक करना है, तो आप एक बार, मैग्नेट तो आपके पास होंगे ही, एक बार आप उन्हें जला के देखिएगा, या जलते जहाँ पे कुछ आग जल रहा हो उसके अंदर डाल के देखिएगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाएगी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ये हमारे सिलेबस में है, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को अपने क्लास में कवर कराया है। आप उसे जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर कोई शॉर्ट नोट चाहिए मैग्नेटिक मटेरियल से। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अ सेमी कंडक्टर विन प्लेस एज जीरो केल्विन विल एक्ट एज। अगर सेमी कंडक्टर को हम जीरो केल्विन में रखें तो क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सेमी कंडक्टर के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होती है, वो अप्रॉक्सीमेट 1.1 से लेके 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। ये होता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप सेमी कंडक्टर के केस में, या फिर अगर जनरलाइज करें तो लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। तो एट अ जीरो केल्विन, जब हम उसको, उस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड या कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दे रहे, या फिर उसको हीट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है दोस्तों, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है सेमीकंडक्टर के केस में। जी हाँ दोस्तों, कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा कंडक्शन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा कंडक्शन के लिए, तो वो सेमीकंडक्टर कंडक्ट ही नहीं करेगा, वो एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों,
सेमी कंडक्टर अगर हम उसको 0 डिग्री जीरो केल्विन पे रखे तो वो एज अ इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, चाहे वो पी टाइप सेमी कंडक्टर हो, चाहे वो एन टाइप सेमी कंडक्टर हो, चाहे अगर जनरलाइज किया जाए इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर हो, चाहे एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर हो, अगर हम उसको 0 केल्विन पे रखेंगे तो मतलब कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई हीट उस पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आउटपुट जो वो होगा दोस्तों वो कोई भी आउटपुट करंट नहीं देगा या करंट का कंडक्शन नहीं होगा, और उस समय वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, और मैंने आपको जब पढ़ा रहा था कि ये क्लास तब पर भी बहुत ही अच्छे से इन पॉइंट्स को बताया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द, इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो करती है। तो दोस्तों इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, वो पॉजिटिव चार्ज के कारण भी फ्लो करती है और नेगेटिव चार्ज के कारण भी फ्लो करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, दोनों चार्जेस के कारण हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ जेफिट, जेफिट क्या है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है जिसको वोल्टेज कंट्रोल्ड करेंट सोर्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, मैं बहुत बार आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर बात करें जेफेट की ड्रॉबैक की, तो दोस्तों जेफेट का जो इनपुट इम्पिडेंस था वो बहुत ज़्यादा था, ये एक उसकी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये एक उसका एडवांटेज है जेफेट का कि उसका इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा है। इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होना मतलब दोस्तों आप उसे किसी भी टर्मिनल से, किसी भी डिवाइस से बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, लोडिंग इफेक्ट नहीं होता, ये फ़ायदा होता है इनपुट इम्पिडेंस का ज़्यादा होना। जो जेफेट के केस में दोस्तों जो प्रॉब्लम थी इसके गेन का, जी हाँ दोस्तों इसका वोल्टेज गेन बहुत ही कम था, वोल्टेज गेन बहुत ही कम था, जिसके कारण मॉस्फेट पे स्विच करना पड़ा। मॉस्फेट का जो गेन था दोस्तों इसके कंपैरिजन में बेटर था। तो दोस्तों जो ड्रॉबैक होता है जेफिट का, मेन ड्रॉबैक ऑफ जेफिट इज लोअर गेन। जी हाँ दोस्तों, लोअर गेन इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो उसका बैंडविथ इनफाइनाइट होता है और उसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा, जैसा कि आपको पता है कॉमन मोड गेन 0 होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में। कॉमन मोड का 0 होना मतलब आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 आएगा, कब, जब इनपुट्स हमारे क्या होंगे, कॉमन होंगे, अगर उनकी वैल्यू सेम होगी तब, उनकी वैल्यू सेम होगी तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, जिसे कॉमन मोड गेन बोला जाता है। और ऑपरेशन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉमन मोड गेन 0 होता है, जिसके कारण कॉमन मोड गेन अगर 0 होता है तो कॉमन मोड गेन 0 होता है, जिससे हमारा CMRR क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि CMRR इक्वल टू होता है AD/AC, तो यहाँ से CMRR की वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, दूसरा उसकी प्रॉपर्टी है, और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है दोस्तों वो इनफाइनाइट होता है। जी हाँ दोस्तों, गेन इनफाइनाइट होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। दोस्तों आपने देखा होगा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो इनपुट करंट होता है I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू की, वो क्या होती है, 0 होती है। ये आपको पता होगा कि करंट कोई भी इंटर नहीं करता ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में, क्योंकि वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए वो अंदर इंटर नहीं करता, 0 होती है तो इसलिए हम उसको समझ लेते हैं कि अंदर करंट जा ही नहीं रहा है। तो न जाने का रीज़न क्या है दोस्तों, न जाने का रीज़न सिर्फ यही है कि उसका इनपुट इम्पिडेंस बहुत ही ज़्यादा है। इनपुट इम्पिडेंस बहुत ही ज़्यादा है मतलब अगर आइडल केस देखा जाए तो इनपुट इम्पिडेंस है ही नहीं, मीन्स इनपुट इम्पिडेंस ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। मीन्स हम कह सकेंगे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया गया है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पिडेंस 0 होता है, तो ये ही ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये प्रॉपर्टी नहीं है
आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है? तो दोस्तों ये डेटाबेस क्वेश्चन है, अगर आपको इसके आंसर्स पता हैं तो आप इसका आंसर देंगे 1 से 2 सेकेंड में और आगे बढ़ जाएंगे। और अगर इसके आंसर्स आपको नहीं पता है तो आप टिक करेंगे, गेस करेंगे, तो उसमें माइनस करके चले आएंगे। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को माइनस मत करिएगा जिसके आंसर्स आपको पता ना हो, ज़्यादा गेस करने की कोशिश मत करिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6%। जी हाँ दोस्तों, 40.6% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर। शिफ्ट रजिस्टर हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों जैसा कि शिफ्ट रजिस्टर पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था, शिफ्ट रजिस्टर जनरली 2 या 3 फ्लिप फ्लॉप से मिलके बने होते हैं, या अगर आप कहें कि अगर एक बिट डेटा को स्टोर करना होता है तो एक फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स अगर 2 बिट डेटा को स्टोर करना होगा तो 2 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी, 3 बिट डेटा को स्टोर करना होगा तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर नोन एज रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो पूरा एक रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर हम 8-बिट रजिस्टर की बात करें तो 8-बिट रजिस्टर के केस में 8 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, हर एक फ्लिप फ्लॉप इंडिविजुअली 1 बिट डेटा को स्टोर करेगा। दोस्तों इनका जो मेन फंक्शन होता है बेसिकली डिले प्रोवाइड करना होता है किसी भी सर्किट। जी हाँ दोस्तों, अगर हमको जस्ट सपोज करिए एक फ्लिप फ्लॉप का जो टाइम डिले है, प्रोपगेशन डिले है 2 नैनोसेकंड है, तो अगर हमें 4 नैनोसेकंड का क्या करना है या फिर 8 नैनोसेकंड का डिले प्रोवाइड कराना है तो हम क्या करेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज कर लेंगे जो कि उनको कैस्केड कर देंगे। 4 फ्लिप फ्लॉप वो रजिस्टर्स आप उन्हें कह सकेंगे, 4 बिट रजिस्टर्स को हम यूज कर लेंगे तो 8 बिट का, 8 नैनोसेकंड का हमें डिले मिल जाएगा। तो बेसिकली रजिस्टर्स आर यूज फॉर, और हम दोस्तों ये भी देखते हैं पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर और सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन के लिए भी रजिस्टर्स का यूज होता है। तो रजिस्टर्स आर यूज फॉर पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन एंड डिजिटल टाइम डिले ओनली एंड ऑल ऑफ द दीज, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि शिफ्ट रजिस्टर्स बनाने के लिए जो फ्लिप फ्लॉप्स यूज होता है वो जनरली डी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। कौन सा फ्लिप फ्लॉप दोस्तों? डी फ्लिप फ्लॉप। अगर बात करें दोस्तों काउंटर्स बनाने की, तो काउंटर्स बनाने के लिए चाहे कोई भी फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर लीजिए, लेकिन वो टॉगल मोड में होना चाहिए, टॉगल मोड में होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो टी फ्लिप फ्लॉप हमारा खुद ही टॉगल मोड फ्लिप फ्लॉप है, तो दोस्तों जनरली टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं काउंटर्स बनाने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अ नेटवर्क विच कंटेन 1 or more than 1 source ऑफ EMF इज नोन एज। जी हाँ दोस्तों, तो अगर कोई नेटवर्क EMF सोर्स को कंटेन किया हुआ है तो ऐसे नेटवर्क को क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्टिव नेटवर्क बोलेंगे, क्योंकि EMF सोर्स जो है दोस्तों वो एक एक्टिव एलिमेंट है, और कोई नेटवर्क अगर एक्टिव एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है तो उस नेटवर्क को दोस्तों एक्टिव एलिमेंट बोला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्टिव नेटवर्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर थर्मल रन अवे इज अनकंडीशनली अवॉइडेड इफ। थर्मल रन अवे को हम तभी हटा सकते हैं जब हमारा VCE की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो किसके, VCC/2 से, या उससे बराबर हो या उससे छोटी हो, तो उस केस में दोस्तों हम थर्मल रन अवे को अवॉइड कर सकते हैं कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के केस में। अब दोस्तों आपके माइंड में चल रहा होगा कि थर्मल रन अवे क्या है। दोस्तों थर्मल रन अवे ये है कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो कितना फास्ट या कितना एफिशिएंटली हीट जो जनरेट हो रहा है कलेक्टर रीजन में उसको बाहर ट्रांसमिट कर पा रहा है, उस प्रॉपर्टी को थर्मल रन अवे बोलते हैं। और अगर वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है हीट को, तो क्या होगा कि हीट ज़्यादा जनरेट होने के कारण
सर्किट्स हमारे क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। तो दोस्तों यही रीजन है कि जो कलेक्टर का साइज होता है, दोस्तों कलेक्टर का साइज होता है, अगर ट्रांजिस्टर की अगर आप बात करें तो एमिटर का साइज कुछ इतना होता है और बेस का उससे भी छोटा होता है, कलेक्टर का सबसे बड़ा होता है। कलेक्टर का साइज बड़ा होने का दोस्तों ये रीजन है कि अगर साइज बड़ा होगा तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर सकता है, सराउंडिंग में ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि फाइनली जो चार्ज करियर होते हैं इमीटर से निकलते हैं कलेक्टर में ही तो जाके सेव होते हैं, कलेक्टर में ही तो जाके रुकते हैं, कलेक्टर ही तो उसे कलेक्ट करता है। तो सबसे ज्यादा हीट कहाँ जनरेट होता है, कलेक्टर में ही हीट जनरेट होता है, और कलेक्टर में हीट जनरेट होता है। अगर उस हीट को एफिशिएंटली कलेक्टर बाहर इन्वायरमेंट में ट्रांसफर ना करे, अपने सराउंडिंग में ट्रांसफर ना करे, क्या होगा, हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो जाएगा और सर्किट्स जल भी सकते हैं और उनमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए थर्मल रन अवे का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और उसको तभी हटाया जा सकता है जब आपका कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCE की जो वैल्यू होनी चाहिए वो या तो छोटी हो या फिर बराबर हो VCC/2 के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है इस बाइनरी नंबर को, तो इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसका आंसर हो जाएगा 100010, ये हो जाएगा इसका आंसर 74 का। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, द टोटल एड्रेसेबल मेमोरी साइज इन 8085। 8085 के केस में आपको पता होगा इसके पास टोटल 16 एड्रेस लाइन होते हैं और 8 डेटा लाइंस होते हैं। 8 डेटा लाइंस का होना मतलब दोस्तों ये साइमल्टेनियसली 8 बिट डेटा का ट्रांसफ़र कर सकता है एट अ टाइम। तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है, आप लोगों को भी पता है कि अगर मेमोरी की साइज़ डिफाइन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लाइन से डिफाइन होती है। 8085 के केस में 16 एड्रेस लाइन होती है, तो जो मेमोरी साइज हो जाएगी दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 2 to the power 16, जिसकी वैल्यू अगर हम इसे ब्रेक करें तो 2 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 6। 2 to the power 6 को दोस्तों 64 लिखा जा सकता है और 2 to the power 10 को क्या लिखा जा सकता है, के लिखा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में जो मेमोरी साइज हो जाएगा वो 64 KB का हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कराया है, अब तो आपको ये याद भी हो गया होगा कि अगर एड्रेस लाइन दिया हो तो मेमोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर मेमोरी मेमोरी साइज दिया हो तो एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप यूँ चुटकी बजा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा भरोसा है आप सब पे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाउ मेनी फुल एडर्स आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट एम बिट पैरेलल एडर। दोस्तों एम बिट पैरेलल एडर को बनाने के लिए कितने फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने फुल एडर एंड फुल सबट्रैक्टर जब पढ़ाया था तो आपको डिटेल में बताया था, तो कोई बात नहीं, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों अगर फुल एडर बनाना है आपको, जस्ट सपोज करिए एम बिट फुल एडर बनाना है, तो आपको एम बिट अगर फुल एडर बनाना है, एम बिट पैरेलल एडर बनाना है दोस्तों, तो एम फुल एडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दोस्तों एम फुल एडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है या M-1 फुल एडर रिक्वायरमेंट होगी और एक हाफ एडर की रिक्वायरमेंट होती है ये बनाने के लिए, पैरेलल एडर बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी फुल एडर्स आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट एन एम बिट पैरेलल एडर। तो अगर एम बिट पैरेलल एडर की बात करें तो दोस्तों एम नंबर ऑफ फुल एडर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों इसमें अगर ये पूछा जाता है कितने फुल एडर एंड कितने हाफ एडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों M-1 फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी और एक हाफ एडर की ज़रूरत पड़ती है एम बिट फुल एडर बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा M नंबर ऑफ फुल एडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एम बिट पैरेलल एडर बनाने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के क्वेश्चन सीरीज से। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिले होंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिले होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।